अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के लेसन्स में से लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। आज ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नैरेटिव क्वेश्चंस के बारे में है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन 5 नैरेटिव क्वेश्चन है, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसको आपने तवज्जो से पढ़ना है, फिर देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में से। क्वेश्चन 5 है, आलिया हैज़ रुपीज़ 25,580। शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। तो इसके दो पार्ट्स हैं, ए हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट, और सेकंड है हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट। तो ये बी पार्ट बता रहा है कि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 18 पर, क्योंकि इसके डिजिट्स को हम प्लस करें। अमाउंट है, आलिया हैज़ 22,580 रुपीज़। अमाउंट आलिया हैज़, इसके डिजिट्स को प्लस करें, 2 + 2 = 4 + 5 = 9 + 8 = 17। 17 ना 9 के टेबल में आ रहा है ना 3 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ, शी वांट 18 नीडी पीपल, नंबर ऑफ पीपल। डिवाइड करेंगे तो 22,580 को 18 पे डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट आएगा वो होगा हर आदमी को जितनी अमाउंट मिलेगी, और जो रिमाइंडर होगा वो अमाउंट लेफ्ट होगी। तो हम पार्ट ए कर रहे हैं, अमाउंट आलिया हैज़, नंबर ऑफ पीपल, ईच पर्सन Each person get, each person will get। तो इसको आपने यहाँ पे रफ वर्क में 22,580 को 18 पर डिवाइड करना है। 18 ones are 18, 18 के कुछ मल्टीपल्स 8, 2 या 4 मल्टीपल्स रख लें तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, तो फिर 18, 36, 54, 72, 90, 108, 1, 2, 3, 4, 6 मल्टीपल्स लिखे हैं, 18 वन्स आर 18। माइनस करेंगे 1, कैरी लेंगे 12 में से 8, माइनस करेंगे 4, 5, 18 टूज आर 36। माइनस करेंगे बाकी आएगा 9। अब अगला डिजिट क्या है, 8, 90, 90 आ रहा है, 108, 18 5s are 90 आ रहा है। माइनस करेंगे 8 आएगा, इधर से 0, 18 4s are 72, रिमाइंडर आएगा 8, 8 रुपीज बाकी बचेंगे। अमाउंट विल ईच पर्सन विल गेट 1,254 रुपीज। और बी पार्ट है, हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट, अमाउंट विल बी लेफ्ट इज इक्वल टू ₹8। आंसर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन 6 और 8, क्वेश्चन 6 और 8 दोनों मल्टीप्लिकेशन के बारे में है, और क्वेश्चन नंबर 6 और 9 डिवीजन प्रोसेस इसी तरह करना है। अभी हम 6 और 8 को देखते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 7 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 में
है जी, उमर मंथली इनकम इज रुपीज 13,582, फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। एक मंथ की इनकम है, 134 मंथ्स की इनकम फाइंड करनी है। तो उमर्स मंथली इनकम, रुपीज 13,582, यह एक मंथ की। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं जो हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मंथ्स 134, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम इन 134 मंथ्स, टोटल इनकम इन 134 मंथ्स इज इक्वल टू, नहीं जी, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 का टेबल 8 तक 3 का टेबल 8 तक 1 का टेबल 8 तक, बहुत आसान है, 4 के कुछ मल्टीपल्स लिख लें यहाँ 8 तक, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 3 के मल्टीपल्स भी 1 से, जब भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमने सीखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 करें, कैलकुलेशन करें इसकी खुद। इसके बाद 8 है जी, अ पोल्ट्री फॉर्म सेल्स 576,012 एग्स इन अ डे, हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फॉर्म सेल इन 56 डेज। अच्छा जी, नंबर ऑफ एग्स सेल इन अ डे, तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, नंबर ऑफ एग्स बी सोल्ड इन अ डे इज इक्वल टू 576,012। तो नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें हमने एग्स की तादाद फाइंड करनी है 56 डेज में, तो 5 और 6 के मल्टीपल्स आपने अपने जहन में रखने हैं या लिखने हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, अब है अगर टोटल, जो आंसर टोटल नंबर ऑफ एग्स बी सोल्ड इन 56 डेज इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें दो स्टेप्स में, पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 से करें, आंसर आ जाएगा। ये हैं जी दो सवाल, 6 और 8। अब 7 और 9 दोनों डिवीजन के बारे में अब उनको देख लेते हैं। 7 और 9, क्वेश्चन 7 है, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 डेज, हाउ मेनी टॉयज विल इट मैन्युफैक्चर इन अ डे। आखिरी नंबर है इसका, डिजिट्स हैं 250, तो ये 25 पर कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर नहीं आएगा, तो एक दिन में कितने टॉयज तैयार करेगी, 25 डेज में टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 25 डेज, ये नंबर ऑफ टॉयज, टोटल नंबर ऑफ टॉयज, टोटल नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू 28,550 टॉयज। नंबर ऑफ डेज हैं, क्या करना है, डिवीजन का प्रोसेस है, टोटल टॉयज दिए गए हैं 25 डेज में जो तैयार होंगे, वन डे में कितने टॉयज तैयार होंगे इसको हम 25 पर डिवाइड करेंगे तो वन डे के टॉयज आ जाएंगे। तो ये है जी
number of toys manufactured in a day. Number of toys in a day is equal to angel angel. इसको आपने 28,550 को 25 पे डिवाइड करने, कंप्लीट डिवाइड होगा क्योंकि आखिरी दो डिजिट 50 है. 25 के कुछ मल्टीपल लिख लें, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 8 मल्टीपल्स लिखें. 25 ones are 25, माइनस करें 3, 5 लें, 25 ones are 25, माइनस करेंगे 10 आएगा. आप 5 ऊपर से लें, 105, 100 RF4 पर 100, 25 4s are 100, माइनस करेंगे ऊपर से 0, 25 2s are 50, कंप्लीट डिवाइड हो गया. नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्स इन वन डे या इन अ डे 1,142 टॉयज. तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, वो ओरल है क्योंकि एक लैपटॉप की कीमत दी गई है 89,710, लैपटॉप्स की कीमत दी गई है 9 है जी. लैपटॉप कॉस्ट हमने इससे पहले 8 किया था. एक पोल्ट्री फॉर्म वाला हो गया टॉय. एक लैपटॉप की कॉस्ट है 89,710. हमाद 10 ऐसे लैपटॉप्स खरीदता है, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड, उसे कितनी अमाउंट की जरूरत है. एक लैपटॉप की कीमत है 89,710 रुपीज, प्राइस ऑफ वन लैपटॉप. हमाद वांट्स टू बाय 10 लैपटॉप्स. अब होगी अमाउंट नीडेड फॉर 10 लैपटॉप्स. इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का 0 उसके वंस प्लेस पर ऐड होगा, तो आंसर आएगा 897,100. तो ये हमारा, ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन 9 हो गया. अब आखिरी सवाल है क्वेश्चन 10 इसी एक्सरसाइज का, वो भी करते हैं. सवाल है, देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इन वन शॉप. एक शॉप में 145 बॉक्सेस हैं पेंसिल्स के. एंड देयर आर 5 पेंसिल्स इन ईच, एक बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं. ऑफ दिस 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल्स. इनमें से 48 बॉक्सेस जो हैं वो ब्लू पेंसिल्स के हैं और बाकी बॉक्सेस रेड पेंसिल्स के हैं. द ए पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, हाउ मैनी रेड पेंसिल्स आर देयर. बी पार्ट है, ए पार्ट करेंगे. तो ए पार्ट के लिए सबसे पहले हमें गिवन है नंबर ऑफ बॉक्सेस और एक बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं. तो सबसे पहले है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 145. तो नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ बॉक्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ बॉक्स इज इक्वल टू 5. तो वो कहते हैं टोटल
पार्ट ए है द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स. अब लिखना है द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से, वन डिजिट, फाइव फाइव आर 25, तो 25 का 5 2 कैरी, 5 4 आर 20 प्लस 2 22, 5 1 आर 5 प्लस 2 7, 725 पेंसिल्स हैं टोटल. अब वो कह रहे हैं कि इसमें से 48 बॉक्सेस जो हैं वो ब्लू हैं, तो एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल्स. अब सबसे पहले हम ये है ए पार्ट. अब बी में हम फाइंड करेंगे 48 बॉक्सेस हैं ब्लू पेंसिल्स के, ठीक है, टोटल बॉक्सेस हैं 145, तो 145 में से 48 माइनस करेंगे तो फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स आ जाएंगी. तो टोटल बॉक्सेस माइनस बॉक्सेस कंटेन, बॉक्सेस कंटेन ब्लू पेंसिल्स, वन फोर्टी फाइव माइनस 48, 145 में से 5 में से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे 3 बाकी है, 1 कह रहे हैं 13 में से 4, 97 बॉक्सेस हैं जो रेड पेंसिल्स वाले हैं. तो अब हम नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स इन 97 बॉक्सेस इज इक्वल टू 97 मल्टीप्लाई 5, 5 सेवन आर 35, 5 नाइन आर 45 प्लस 3 48, 485 पेंसिल्स हैं रेड और टोटल पेंसिल्स हैं 725. तो ये हमारा एक्सरसाइज 3, इसके 6 नैरेटिव क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं. इसके बाद हम अगला लेसन पढ़ेंगे इसी यूनिट का, वो नंबर पैटर्न्स के बारे में है, तो उसको तफसील से अगले लेसन में पढ़ेंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम.